जो हमारे इश्यूज उठे, आपने देखा होगा पिछले हफ्ते जो हमारे साउथ कश्मीर या बारामूला में या और भी डिस्ट्रिक्ट में जो लड़ाइयाँ उठी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और प्रेजिडेंट्स के दरमियान या ड्राइवर्स के दरमियान, जो फिटनेस के बारे में कहा जा रहा है कि आप ऑनर जो गाड़ी का ऑनर है उसको पेश कीजिए और उसके बाद हम फिटनेस करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है भारतवर्ष में किस जगह ये कानून है कि हम फिटनेस पे ऑनर को पेश करेंगे। ये हमारी बदकिस्मती है, जितने भी ऑफिसर्स आते हैं या तो इनको ग्राउंड लेवल में पता नहीं होता है या तो ये पूरा मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ते नहीं है और ऐसे ही आके ऑर्डर करते हैं कि भाई नहीं आप ऑनर लाओ। मुझे क्या गाड़ी, मुझे ऑनर को फिटनेस करनी है, मुझे गाड़ी को करनी है। गाड़ी चलाता है ड्राइवर, ऑनर ने अपना जो माल है वो ड्राइवर के हैंड ओवर किया है, वो ड्राइवर गाड़ी लेके जाएगा, फिटनेस करेगा, अगर फिटनेस के काबिल गाड़ी होगी तो कीजिए, अगर फिटनेस काबिल नहीं होगी गाड़ी तो मत कीजिए। लेकिन ये कह रहे हैं हमें करप्शन को रोकना है, लेकिन इसी से करप्शन बढ़ता है कि अगर ड्राइवर खुद, मुझे समझ आया मेरे पास 5 गाड़ियां, क्या मैं 5 दिन खड़ा रहूंगा फिटनेस के लिए, 5 बार बोर्ड पे जाऊंगा? अगर मैंने अपना माल ड्राइवर ही गाड़ी चलाता है ना, और किस कानून के तहत है? मैं ऑलरेडी इसमें एक ऑर्डर हुआ है सेक्शन 41 शायद सेक्शन 41, उसमें क्या है कि जो फर्म है, कंपनी है या रजिस्टर्ड स्टैंड है, वह अपना एक एजेंट रख सकता है और अपनी रिप्रेजेंटेटिव रख सकता है और गाड़ी की फिटनेस कर सकता है। यही कानून तो यही है, लेकिन अब ये मिसलीड कर रहे हैं ऊपर ऑफिसर्स को कि नहीं हम करप्शन रोक रहे हैं। किस चीज़ से करप्शन रोकेगा? करप्शन रोकेंगे कि अगर गाड़ी ड्राइवर लेके आएगा वो फिटनेस करेगा चला जाएगा, ऑनर को लाने की क्या जरूरत है? इनको पता है ऑनर आ नहीं पाएगा, इसी वजह से तो पैसा चला जाएगा और लोग जो है वो दूसरे एजेंट को देंगे। अगर हमें एतमाद में नहीं लिया गया तो इसके बाद जो मीटिंग होगी उस पर कड़ा डिसीजन होगा और वो हम लेने के लिए तैयार है। हमने इस वक्त में उस पर बात की है, काफ़ी जो इश्यूज़ है, सबसे पहले जो हमारे बर्निंग इश्यूज़ है फिटनेस, जो इन्होंने गलत जो एआरटीओस आप देख रहे हो और प्रेसिडेंट से व्यवहार गलत कर रहे हैं, ये उसे रोके। और मैं प्रेसिडेंट को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो भी अपना जो ताकत है इकट्ठे करके दिखाए, अलग अलग ना जाए, और अपने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से कि इमीजिएट इस पर मीटिंग लिया जाए और ये चीज़ें, ये प्रैक्टिस जो एआरटीओस रूडली बिहेव उनका है, उनको भी बताया जाए कि प्रेसिडेंट जब आएगा, हाँ अगर प्रेसिडेंट गलत होगा, वो फिटनेस गलत तरीके से कर लेता होगा, ठीक है उसके साथ की, लेकिन उसके साथ नहीं, फिटनेस मत कीजिए, करप्शन खत्म हो जाएगी।